पंजाब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने 3 दिवसीय होला मोहल्ला उत्सव मनाया। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने महामारी के 2 साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई, जब उन्होंने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अनुयायियों का अभिवादन किया। किश्तवाड़ के भंडारकोट में भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इकाई ने किश्तवाड़ के दूरदराज के इलाकों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ रंगों का त्योहार होली मनाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार के दिन लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते हुए खुशी से झूम उठे। जम्मू कश्मीर राजौरी में मुगल रोड के संचालन के लिए पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में बर्फ हटाने का अभियान जारी। पंजाब सीएम भगवंत मान को शुक्रवार संगरूर पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शेख हसीना ने यूक्रेन से बांग्लादेशी नागरिकों को निकालने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, अमित शाह, सोनिया, मुलायम, मायावती को आमंत्रित किए जाने की संभावना। द कश्मीर फाइल्स पर भड़के उमर अब्दुल्ला, बोले फिल्म में दिखाया गया झूठ। उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में बहुत सारा झूठ दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर यह कमर्शियल फिल्म होती तो कोई बात नहीं, लेकिन फिल्म निर्माता वास्तविकता दिखाने का दावा करते हैं जो कि गलत है। नवाब मलिक को लेकर एनसीपी का बड़ा फैसला, मंत्री बने रहेंगे लेकिन वापस लिए जाएंगे विभाग। बता दें कि नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। मुजीब कश्मीर फाइल्स के बाद अब बारी बांग्लादेश फाइल्स की। श्याम बेनेगल ने रिलीज किया फिल्म मुजीब का पोस्टर। झूलन गोस्वामी महिला वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली इकलौती गेंदबाज बनी।